ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मेरी पिछली वीडियो YouTube ने डिलीट कर दी, ये कह के कि उसमें ग्राफिकल कंटेंट ऐसा था जो वॉल्यूम्स बढ़ा रहा था। दोस्तों वो ग्राफिकल कंटेंट और कुछ नहीं था, वो वीडियो थी जो निहंगों ने इसको एक आदमी को काटा था, इसमें मेरी वीडियो बनाई थी, वो प्रॉपर वीडियो थी। उसमें वो शख्स था जो ऐसा कटा हुआ था, उसकी दशा दिखा रहे थे और वो पीछे से जो सिख थे वो बोल रहे थे कि सामने कोई डर नहीं, हमको जो इसको जो करना है कर ले हमारे साथ। वो वीडियो 20 सेकंड की वीडियो थी, वो डिलीट कर दी गई। और अभी आप यूट्यूब पे देखोगे तो हर जगह वो वीडियो मौजूद होगी, लेकिन मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई इसी बेसिस पे। खैर कोई नहीं दोस्तों, उसके बाद जब मैंने पोस्ट डाला कि मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई है तो बहुत लोग खुश हुए हैं। आप चाहे कमेंट में पढ़ सकते हैं, वो तो खुश हुए कि अच्छा वो वीडियो डिलीट हो गई। मुझे इंस्टाग्राम पर लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हमारे ऊपर वीडियो बना मत दिए तू, मतलब बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं। तो ये अब किसानों का मुद्दा नहीं है, ये सिखों का मुद्दा है, ये तो बात साफ हो चुकी है। ये सिख वर्सेस बीजेपी हो और कुछ नहीं हो सकता, यही यही इस चीज को प्रूफ करता है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर वीडियो बना मत दियो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वीडियो नहीं बनाऊं, वीडियो तो मैं बनाऊंगा। दोस्तों 21 तारीख को ये घटना होती है, उसके ठीक मतलब एक हफ्ता भी नहीं होता उस बात को, अभी 21 तारीख को एक और घटना ऐसी होती है। एक शख्स को, एक पोल्ट्री फार्म के वर्कर को, ये निहंग कम्युनिटी के लोग जो है सिंघू बॉर्डर पर ही मारते हैं, कूटते हैं, उसके साथ लिंचिंग करते हैं, क्योंकि वो मुर्गियां ले जा रहा था और इन्होंने कहा कि हमको मुर्गी दे दे, तो उसने कहा हम मैं नहीं दूंगा, मेरे पास गिनती की मुर्गियां होती हैं। उसने पर्ची दिखाई, लेकिन उसको उसकी नहीं सुनी, उसको मारा, उसको नोचा, उसको पीटा और उसके कपड़े फाड़े। लोग जो वहां पे थे थोड़ा उसको बचाया, उसके बाद लोगों ने वहां पे जो है वीडियो बनाई उसकी, उसके बाद उसको उसकी मदद करी। उसने कहा कि मेरे गिनती की मुर्गियां होती है, मैं कैसे दे दूंगा। एक ड्राइवर को आप ऐसा मार रहे हैं, ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, FIR आती है, फिर गिरफ्तारी होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, गिरफ्तारी तो निहंग की भी हुई थी जिसने एक आदमी को काट दिया था, तो इनको FIR का फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता तो दोबारा हरकतें नहीं होती। आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था अशेम्ड, #अशेम्ड, और ये अशेम्ड लोग इसलिए हैं क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी जो है उसके बेटे को ड्रग्स के मामले में जेल नहीं मिलती है, तो लोग देश पे शर्मनाक जो है हरकत महसूस करते हैं, शर्मिंदा महसूस वो देश में है क्योंकि उस बड़े सेलिब्रिटी के बेटे को ड्रग्स के मामले में बेल नहीं मिल रही। मंदिर टूटते हैं उस पर कोई अशेम नहीं होता, हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग होती उसके साथ उस पर कोई अशेम नहीं होता, मदरसों में रेप होते हैं उस पर कोई अशेम नहीं होता, लेकिन सौरभ भास्कर कह रही हैं एज अ हिंदू आई एम अशेम्ड। सौरभ भास्कर को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा भगवान आपको सद्बुद्धि दे और इस तरफ जरा देखें कि किस तरीके से जो है ये हमारे गरीब किसान जो है और मासूम, ये मासूमाना जो प्रोटेस्ट करने का और एग्जांपल दिया है, हाथों में तलवार लेके बंदों को काटते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो गरीब किसान हैं, जरा इस पे भी लोग ध्यान दें। और अगर अशेम्ड होना है तो इन मुद्दों पे अशेम्ड हों, ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदू होने पे अशेम्ड महसूस होते हैं। हिंदू अगर दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो आप अशेम्ड हैं, वाओ। और जिहाद के नाम पे कोई बंदा ही कोई फोड़ दे बम से, उस पर आप अशेम्ड नहीं होते, फतवे निकलते हैं। हाँ जी, आप ही के पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जब ये कहा था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा था कि अभी किसानों को प्रोटेस्ट नहीं रही है, तो वो कांग्रेस में ही थे, चीफ मिनिस्टर थे। अब जब वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ अलायंस कर सकता हूं या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ूंगा, बीजेपी को कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी के साथ मैं जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, तो उनको आप दोगले कह रहे हैं क्यों? आप तो आए उनके दम पे थे पंजाब में। तो मैं समझता हूं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये खालिस्तानी हो, चाहे ये वो लोग हों, चाहे पाकिस्तान हो या बहुत सारे जो इनके संगठन हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या कट्टर इस्लामिस्ट हो, एक्चुअली में इनका बुरा वक्त चालू हो चुका है, इसलिए बौखलाए हुए हैं।
ये तलवारें लेके बंदों को काटते हैं, फतवे निकालते हैं, इनमें और दूसरे में कोई फर्क नहीं है, इनमें और दूसरों में कोई फर्क नहीं है, ये एक जैसे ही है। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने उस पोल्ट्री फार्म वाले बंदे की जान बचाई, उस ड्राइवर की जान बचाई, वीडियो बनाई ताकि हम तक ये बात पहुंचे और FIR हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन इससे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत संख्याओं में है, मीडिया इस बात को नहीं दिखाता, मीडिया ने ये बात नहीं दिखाई। वो तो हमारे एरिया में सब होता है इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि हमें पता लग जाता है, लेकिन ये चीज जो है कब तक चलेगी इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ढीलापन सरकार का भी है, ये मैं मानता हूं, केंद्र सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो बात ही अलग है, लेकिन ध्यान नहीं दे रही है वो। ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाने चाहिए जल्द से जल्द। दोस्तों जैसा मैं आपको कहा था कि शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, तो ट्यूजडे से शॉर्ट वीडियोस मेरी कोशिश रहेगी कि हर रोज आए, हर रोज कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊं किसी ना किसी टॉपिक पे। देखते रहिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पहली बार बोल रहा हूं, मैंने आज तक बोला नहीं था ये, लेकिन प्यार देते रहिए दोस्तों, मेरे को इसी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं और मारने वाले या गालियां देने वाले या बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे कि जो बस मार दे मेरे को जान से। तो बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे धमकी आती रहती है, मुझे उनसे डर नहीं लगता, अगर प्यार साथ में है तो फिर डरे क्यों बंदा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, सुरक्षित रहिएगा, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।